हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, चकबंदी लेखपाल, जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली थी वो वैकेंसी आ चुकी है। यूपी SSSC द्वारा इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जो है अनाउंस कर दिया गया है, और इसका फॉर्म आप लोग 6 तारीख यानी 6 मार्च यानी कि आज के दिन से ही फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, और एक दिन में फॉर्म फिल करने के साथ साथ आप लोग फीस भी जमा कर सकते हैं। और बात रही लास्ट डेट की, तो जो रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट है वो 5 अप्रैल है, और जो अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को आप लोग अमेंड कर सकते हैं, बदल सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है वो है 12 अप्रैल। तो ये तो थी जो SSSC द्वारा लेखपाल का जो वैकेंसी आई, जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से हो रहा था, इसके फॉर्म के बारे में, कब से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी चीज़ें नॉर्मल है जो हमेशा हर एग्ज़ाम में होती हैं, ये आपका जो है इसमें बाकी चीज़ें हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है, रजिस्ट्रेशन है, फिर आपको फ़ोटो अपलोड करना है, फिर सारी चीज़ें आपको फिल करनी है जो इम्पोर्टेंट होती है, उसके बाद फीस को फिल कर करके आपको फॉर्म का प्रिंट आउट या फॉर्म को सेव करके रख लेना है, ठीक है। ऑफिशियली वेबसाइट जो है आपकी UPSSC.government.in पर ही आप लोग इसको फिल कर सकते हैं, और किसी वेबसाइट पर आप इसको फिल नहीं कर सकते हैं। बाकी रही जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। फ़ोटो के बारे में कि फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, जो फ़ोटो का साइज़ हो आप लोग ये देख लीजिएगा, और जो फ़ोटो है आपकी वो 6 महीने के अंदर तक की होनी चाहिए। साइज़ है आपका 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर, कलर फ़ोटो होना चाहिए, और जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है उसका 1.5 सेंटीमीटर लंबा और 3.5 सेंटीमीटर जो साइन है उसको आपको अपलोड करना है। बाकी फॉर्म फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपलोड करनी है, फिर डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है क्लिक करके, फ़ीस को सबमिट करना है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। और बात रही फ़ीस की, तो जो फ़ीस है वो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए है 185 रुपीज़ है, और OBC के लिए भी 185 है, SC कैंडिडेट के लिए 95 रुपीज़ है, ST कैंडिडेट के लिए 95 रुपीज़ है, और जो विकलांग जन हेतु इनके लिए है 25 रुपीज़। आगे जो चीज़ें हैं नॉर्मल जो हर एक फॉर्म में होती हैं बताया गया है। इसमें जो पोस्ट आई हैं, 18 से 40 उम्र के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। टोटल जो है 1364 सीट है, इसका नोटिफिकेशन आया है। टोटल पद कितने हैं आपके, 1364। SC स्टूडेंट के लिए 362, और जनरल कैटेगरी जो अनारक्षित है उनका है 1002 सीटें। OBC के लिए ऐसा कुछ अभी दिया नहीं है, 0 है। चकबंदी आयुक्त, चकबंदी लेखपाल के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनमें 27, विकलांगजनों के लिए 54 है, महिलाओं के लिए 272 सीटें हैं, और जो सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए टोटल 68 सीटें हैं। बाकी आगे का नोटिफिकेशन देखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, जो पहले हमेशा होता है वही है। देखिए, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो चकबंदी आयुक्त और चकबंदी लेखपाल के लिए हैं, वो जो है आपको इसमें देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, और आपका जो है जो अधिमानी अर्हता यानी कि अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष के अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आयु सीमा बता दी है कि आपका जो है 18 से 40 वर्ष, और जो रिजर्वेशन मिलता आया है वो मिलेगा। बाकी चीज़ें अभी तो इम्पोर्टेंट इसमें है नहीं, जो नॉर्मल चीज़ें दी होती हैं वही दिया गया है, ठीक है। चयन का आधार, लिखित परीक्षा, ऑफलाइन, ऑनलाइन, अभी कुछ इसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है, बट इसका जो है आयोग चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन प्रयोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन हेतु उक्त परीक्षा ऑनलाइन भी करा सकता है। देखिए, अभी कुछ इसमें कंफर्मेशन नहीं बताया गया है, बट अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप लोग उसके लिए प्रिपेयर रहिए। और जो परीक्षा है उसका आप लोग देख लीजिए, चकबंदी लेखपाल सामान्य परीक्षा 2019 के पदों पर चयन सीधी भर्ती नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015, और उत्तर प्रदेश समूह गा के पदों के लिए सीधी भर्ती के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासना आदेश संख्या 4/2017 का
ये सारी जो चीज़ें हैं इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी, कुछ आगे हम लोग देखते हैं क्या है। ये सब नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा अभी, और सिलेबस का अभी इसमें कुछ बताया नहीं गया है, ठीक है। तो सिलेबस जो भी होगा इसको अपलोड कर दिया जाएगा ऑफिशियली। सिलेबस ना ही अभी तक लेखपाल के लिए बताया गया है और ना ही अभी लोअर पीसेस का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बताया गया। तो जैसे सिलेबस भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है उसका हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप लोग के लिए ये गुड न्यूज़ है कि इक्स का एग्ज़ाम, इसका फॉर्म जिसका वेट बहुत दिनों से किया जा रहा था, ये फॉर्म आ चुका है ऑफिशियली और इसका फॉर्म आप लोग आज से भर सकते हैं, फीस भी आज से सबमिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।